बाइक मैकेनिक राइडर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करते हैं इंजन ऑयल यानी मोबिल, इसका जो ग्रेड होता है इसके बारे में, यानी ग्रेड कैसे होता है, उसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे हम लोग इंजन ऑयल परचेस करते हैं उस समय वहां पर बॉटल के ऊपर लिखा जाता है 20W50, 10W40 या 0W30, 5W50, ऐसे कुछ ना कुछ लिखा जाता है। जो भी प्रकार का मोबिल ले ले, यानी इंजन ऑयल को हम लोग मोबिल बोलते हैं, जो भी प्रकार का मोबिल या इंजन ऑयल ले ले उसके ऊपर इस प्रकार का ग्रेड दिया जाता है। तो मुझे आप लोगों को बताने के लिए अच्छा लगता है, एस से ई 10W-30 समझो, ऐसे एग्जांपल है। तो एस से ई का मतलब क्या होता है, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर, यानी एक संस्था होता है, एक सोसाइटी, एक संस्था है, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव, ऑटोमोटिव बोलते हैं व्हीकल्स के बारे में, इंजीनियर ऐसा कंपनी होता है, संस्था होता है, SAE, इसके अंडर में ये सब काम किया जाता है। जैसे कि मोबिल का काम क्या होता है, एक्चुअली लुब्रिकेट करना, जो भी पार्ट्स है जैसे फ्रिक्शन होता है व्हीकल्स में या रस्टी यानी जंग वगैरह पकड़ता है तो इसको बचाना, ये काम करता है लुब्रिकेट करके, मोबिल ये काम करता है। तो कभी कभी लुब्रिकेट करते समय हम लोग को पता होता रहेगा, ये पतला भी होता है कभी कभी या गाढ़ा भी होता है, ऑटोमेटिकली बन जाता है। अगर पतला होता है फिर भी हम लोगों के अच्छा नहीं, क्योंकि पतला होगा तो तुरंत वो फ्लोइंग ज्यादा होगा, गाढ़ा होगा तो बीच में कुछ तो डिस्टर्ब होने की वजह से स्लो उसका बहना स्लो हो जाएगा, इसके लिए वो भी अच्छा नहीं, यानी ज्यादा पतला भी अच्छा नहीं है और ज्यादा गाढ़ा भी वो अच्छा नहीं, तो मिडल में जैसे चाहिए वो हिसाब से चाहिए। उसका कलर से भी आप देख सकते हैं, अगर आप व्हीकल्स में अगर उसको डालते होगे तो उस समय उसका कलर देखने का क्या हिसाब से। तो मैं उसको आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ एक्चुअली इसमें क्या होता है, जो ऐसे 10W-30 समझो ऐसा बाई चांस दिया है, तो जो W है उसका मतलब एक्चुअली क्या होता है, तो जो W का मतलब विंटर, विंटर बोले तो जो सीजन हम लोगों के यहाँ पे होता है ठंडी का सीजन होता है, W बोले तो विंटर, विंटर यानी ठंडी, एंड ठंडी के मौसम में इसका ग्रेड कितना होता है इसके बारे में जानकारी देने के लिए जो सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग कंपनी है उसने नॉलेज देने की कोशिश की है। जो W के जो पहले 10 नंबर समझो आया, 10 नंबर आया, तो 10 का मतलब क्या होता है, 10-20 कुछ भी होता है, लेकिन उसका मतलब जितना जो कम होगा नंबर वो हम लोगों के लिए अच्छा है, लुब्रिकेट करने के लिए अच्छा है, W के बिफोर वाला 10W-10। उसके बाद बाई चांस 30 नंबर दिया है, तो 30 का मतलब क्या होता है, अगर हॉट कंडीशन होता है, हॉट कंडीशन तो उसमें जितना ज्यादा ये नंबर होगा जो 30 दिया है वो जितना ज्यादा नंबर रहेगा वो हम लोगों के लिए लुब्रिकेट करने के लिए ये ग्रेड वाला अच्छा चीज है। एग्जाम्पल दे रहा हूं 10W-30, W का मतलब मैंने आप लोगों को बता दिया विंटर, यानी विंटर में इसका जानकारी दिया जाता है। और W के पहले जो 10W-10 नंबर दिया है, ये नंबर जितना कम हो उतना ये लुब्रिकेट करने का काम अच्छा होगा, इसका ग्रेड अच्छा है ऐसा हम लोग सोचने का। उसके बाद 10W-30 जो 30 नंबर दिया है, 30 नंबर का मतलब क्या था, जो अगर हॉट कंडीशन में अगर देखेंगे तो जितना ज्यादा ये नंबर रहेगा, जो 30 वाले की जगह में 40-50 भी हो सकता है, जितना ज्यादा नंबर होगा उतना अच्छा है, इसका ग्रेड अच्छा है। तो दोस्तों आप लोगों को नॉलेज देने की कोशिश मैंने की है, ज्यादा करके मैं भी यहाँ वहां से नॉलेज लेता हूँ, और मेरा ये काम है कि आप लोगों को बताना, आप लोगों को पता ही होता है लेकिन जिसको अगर जानकारी नहीं है तो उसके लिए अच्छा है, वो संतुष्ट हो जाएगी। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ प्लीज प्लीज शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब करें, बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसे प्रेस करना ना भूले। अगर बेल आइकन को प्रेस करते जो मैं नया नया वीडियो आपके लिए मैं अपलोड करता हूँ सबसे पहले देखने का चांस आपको मिलेगा, क्योंकि आपके मोबाइल में सबसे पहला नोटिफिकेशन आ